इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रजा इंटरप्राइजेज, चुनाव से संबंधित समस्त प्रचार सामग्री के थोक व फुटकर विक्रेता। अमेठी में कोरोना से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मगुरुओं से किया संवाद। धर्मगुरुओं ने महामारी से लड़ाई में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने का दिया आश्वासन। कलेक्ट्रेट स्थित NIC में DM, SP सहित विभिन्न धर्मगुरु रहे मौजूद। सुल्तानपुर जिले में कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा 6000 के पार पहुंचा। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 265 नए कोरोना मरीज मिले। अब तक 6075 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित और सुल्तानपुर में अब तक 84 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। अमेठी जिले में 24 घंटे के अंदर फिर 53 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना से एक महिला की भी हो गई है मौत। जनपद में अब तक पाए गए कुल 4028 कोरोना पॉजिटिव मामले, वर्तमान में 196 एक्टिव केस। अब तक अमेठी में 42 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। सुल्तानपुर में 19 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मतदान दिवस के चलते जनपद में सार्वजनिक अवकाश घोषित हुए। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गण को देश की अखंडता एकता के प्रति शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना गया व उनके निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सुल्तानपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर राहगीरों के लिए पेयजल का स्टॉल लगाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए SFI के जिलाध्यक्ष सैफ हामिद अली खान ने कहा कि देश भर में आज धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ एक अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण भारत के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। अमेठी में अज्ञात कारणों से लगी गेहूं की फसल में आग, जिसमें 6 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के सबल शाह सरैया का है मामला। अमेठी के जायस नगर पालिका में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। नगर पालिका अध्यक्ष महेश प्रताप सोनकर के साथ नगर पालिका के कर्मचारी और नगर के सम्मानित लोग फूलमाला चढ़ाकर और मिठाइयां भी बांटी गई। कोविड-19 को देखते हुए आज जुलूस नहीं उठाया गया। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर ये जयंती मनाई। अमेठी में गेहूं की मड़ाई करते समय थ्रेशर की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उपचार करते हुए महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार हेड इंजरी होने के कारण महिला के सर में भारी मात्रा में चोट लग गई है, जिस कारण महिला को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जिले के 26 संगठनात्मक मंडलों एवं 2000 से अधिक बूथों पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समरसता दिवस के रूप में ही मनाई। वहीं जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को भाजपा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर दीपोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया। गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है, प्रदेश में कोरोना महामारी ने जानलेवा रूप ले लिया है। इस बार की महामारी पिछली बार के कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना को नियंत्रित करने की तैयारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कई जिलों में ऐसी दुखदायी खबर भी आना शुरू हो गई है। एक फोन नंबर पर आप बताइए मुझे 7343 केसेस नेगेटिव आ गए। 7343 केस बरेली के अंदर, ये हो रहा उत्तर प्रदेश में कोरोना के साथ खिलवाड़। सुल्तानपुर में जिला न्यायालय पर भी कोरोना का कहर। 2 दिन तक बंद रहेंगी अदालतें। जिला न्यायालय में तैनात स्टेनो समेत 3 न्यायिक कर्मी कोरोना संक्रमण के हुए शिकार। कोरोना की जांच में हुई पॉजिटिव होने की पुष्टि। जिला जज संतोष कुमार राय ने हाई कोर्ट के निर्देशन में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी निर्देशों के क्रम में सैनिटाइजेशन आदि के लिए 2 दिन तक अदालत बंद करने का आदेश दिया है।
कोरोना की वजह से गुरुवार व शुक्रवार को न्यायिक कामकाज में बाधा पड़ गई। रजा इंटरप्राइजेज चुनाव से संबंधित समस्त प्रचार सामग्री के थोक व फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ जिला पंचायत प्रधान बीडीसी वार्ड मेंबर की समस्त प्रचार सामग्री उपलब्ध है। प्रत्याशियों के फोटो वाला झंडा, फोटो वाला मफलर, फोटो वाला टी शर्ट, फोटो बैच, साइकिल झंडा, बैलेट पेपर, आई कार्ड, वोटर लिस्ट, टोपी, माथे की बिंदी, पेपर लड़ी, रुपया बिल्ला, की रिंग, मास्क, रंगीन पोस्टर, स्टीकर आदि उपलब्ध हैं। हमारा पता है एसपी ऑफिस के सामने सुल्तानपुर। हमारी शाखा है लंबुआ बाजार ब्लॉक रोड से पूरब में जौनपुर रोड पर। संपर्क करें 7860045045, 9982629814। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।